ही गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू द बोरा व्लॉग्स। और सुबह के बज रहे हैं 10, तो बस अभी सो के उठाऊ मैं, बिकॉज छुट्टी है इसलिए लेट उठा मैं। वैसे तो डेली मैं ऐसे ही उठता हूँ 9:30 बजे, तो आज भी काफ़ी सारे काम हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आके उत्तराखंड से आने के बाद, तो कोशिश करेंगे व्लॉग इंटरेस्टिंग बने। और बाकी सपोर्ट करते रहना और देखते रहना द बोरा व्लॉग्स। नारियल थोड़ी गोला, इसका तेल बनाओगी थोड़ा हुआ। ये कहाँ से क्या हुआ इसका, ये कहाँ से आया गोला सोनी? अरे भैया दूर से आया। वो से टांग देना उधर, ग्रिल पे टांग दो। इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी। कितना? मतलब कुछ भी डालेगा व्लॉग के लिए है? ऐसी कंटेंट निकालना पड़ेगा ना। अरे थोड़ा रेडी होने दिया कर, कुछ पहले बता दिया कर, थोड़ा सोच समझ ले। एट अ टाइम में कुछ भी दिखोगी तो वैसे ही। आई एम ब्यूटीफुल ऑलवेज, मैं खूबसूरत। अच्छा ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बता दो, मान जाऊंगा मैं। अरे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग से क्या करना, ब्यूटीफुल एक बार बता दो। मैं चलो मैं एग्री कर दूंगा कि वैसे आप ब्यूटीफुल, एक बार बता दो स्पेलिंग। एग्री करेगा? हाँ, बी ई ए यू टी वाई एफ यू एल। चलो मान ही गया क्या, वो ही नहीं सही तो है, स्पेलिंग गलत बताई। क्यों बताइए गलत? अरे ब्यूटी पार्लर की नहीं पूछी थी, ब्यूटीफुल की पूछी थी। बोला है मैंने बी ई ए यू टी वाई, वाई आता ही नहीं है। ब्यूटीफुल में यूटीआई होता है इसमें? नहीं नहीं वाई भी होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ब्यूटी में होता है। नहीं ब्यूटीफुल में भी बोलता है। खुद को आती नहीं है। फाइनली आज मौसी ने खुद ही रिजल्ट दे दिया है कि है ही नहीं ब्यूटीफुल, क्योंकि इनको स्पेलिंग ही नहीं आती। और मैं दिखा, मैं आज स्पेलिंग सही बताती तो मान लेता आप ब्यूटीफुल हो, आपने स्पेलिंग गलत बताई है। गलत बोल रहा है, ये ब्यूटीफुल में। अच्छा तो ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ब्यूटी पार्लर दो है, ब्यूटी और पार्लर, तो ब्यूटीफुल में वाई हट जाएगा। अच्छा ब्यूटीफुल में आई आएगा, ब्यूटी में वो ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी होता तो वाई आ जाता, अब वो पूरा उसके साथ भी आ रहा है कुछ फुल, तो आई यूज़ होगा, बीच में वाई यूज़ नहीं होएगा। अरे तो क्या हुआ, मेरी ब्यूटी थोड़ी कम हो जाएगी आई और वाई से? आई एम ब्यूटीफुल हो गया, आप बोली नहीं ब्यूटीफुल हूं और ब्यूटीफुल रहूंगी, तू बुड्ढा हो जाएगा। आपने जो स्पेलिंग बताया उस हिसाब से ये लग रहा है कि ब्यूटी पार्लर जाके आप सिर्फ ब्यूटीफुल हो सकती हो। हम थे हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो, गॉड गिफ्ट मी ब्यूटी। चलो ठीक है, एक और आपको मौका देता हूँ अपने आप को साबित करने का कि आप हो चुके। गॉर्जियस की स्पेलिंग बताओ। गॉर्जियस का मतलब वही होता है लड़कियों की सुंदरता के लिए, तो उसकी स्पेलिंग बता दो। चलो आज फिर मैं मान जाऊंगा कि आप हो। गॉर्जियस नहीं हूँ मैं, ब्यूटीफुल हूँ। वो तो हो नहीं, वो तो स्पेलिंग गलत हो गई, वहीं से हट गया पता साहब। अब गॉर्जियस, अब आपको दूसरा चांस दिया, गॉर्जियस की स्पेलिंग। गॉर्जियस जी ई ओ आगे समथिंग समथिंग। ज्योग्राफी नहीं पूछा, गॉर्जियस पूछा है, जी ई ओ। अरे ठीक है ना, ठीक है, बात साबित हो गया है। नहीं हो आप, हम इंग्लिश वाले नहीं है, हम हिंदी वाले हैं, हम खूबसूरत हैं, हम सुंदर हैं। लिख के दिखा दो हिंदी में। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल और गॉर्जियस। अरे मैंने कहा ना मैं हिंदी में सुंदर हूँ, सुंदर अति सुंदर। सुंदर तो कोई भी लिख लेगा, ऐसा कोई भी लिख लेगा उसमें अंक की बिंदी तो हैंस प्रूफ्ड। मौसी ना के भी नहीं लगने वाली जो मौसी बोल रही है। सुंदर है, मैं आपको देखने ना बांगड़ू सा। मेरे से पूछ लो स्पेलिंग बता दूंगा, इतनी ना हूं। अच्छा ठीक है बता, उसको क्या बोलते हैं? किसको? खूबसूरत को पहाड़ी में क्या बोलते हैं? कदुबान लग लग रहे हैं। तो इसमें ये तो तूने इतना बड़ा वर्ड बोल लग रहा है, तो वैसे खाली सुंदर को क्या बोलेंगे? बान। अब बताओ गलत बोला मैंने तो है? बताओ गलत बोला हो तो, और क्या गलती है, यही बोलते। अच्छा बता ना क्या बोलते हैं? बावी बोलते। तो हैंस फ्रूट दोबारा से मौसी की हार हो चुकी है। ये हार वार कुछ नहीं है, अभी मैं देख अपने पहाड़ी के उसमें से निकालूंगी कुछ वर्ड्स और फिर तेरे को दूंगी बस बताने के लिए। चलो ठीक है, चैलेंज है। चल ठीक है, आज चलो हम चैलेंज देते हैं मौसी, हम लोग पहाड़ी में बात करेंगे। चलो ठीक है, चाहे टूटी फूटी आए लेकिन पहाड़ी बात करेंगे, बताओ।
बुलावे क्या की बोलू आ नाश्ते में क्या खाला है आ नाश्ते में खून रोट और हाग खून हाग क्या हाग जय बची रहो रखते रहते बस्तुश की बस्तुश बस्तुश ना और बस्तुश अभी मम्मी अंदर से सुनाएंगी वीडियो में बता रहे हैं सारी बातें हैं कि हम बात सब्जी खाते हैं तो बासी खाना तो सेहत के लिए अच्छा होता है बस एक ही को नहीं मिलनी चाहिए मैं खा खा के बहुत फैल गई हूँ तो गाइस मौसी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है जब से मौसी आई है हमारे यहाँ जो भी आता है खाते पीते घर का हो जाता है मैं पहले भी खाते पीते घर के थी कोई इतनी कम तो आई नहीं वेट तो कम था ना यहाँ के वेट बढ़ा है ना इट मीन्स आप अब आई हो खाते पीते घर में अरे एक किलो वेट बढ़ा है बड़ी मुश्किल एक ही दो किलो कैसे और अभी तो दोबारा वेट करेंगे शायद 3 किलो भी हो गया होगा अब तो नहीं नहीं मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ है देखो मौसी के डोले ओ भाई साहब ये वही डोले हैं बाहुबली वाले हाँ जिया जी भी घर पर ही हैं और यहाँ इनकी चल रही है साफ सफाई इन्होंने अपना टैलेंट दिखाना चालू कर दिया है कूलर को खोल खाल के काम झाम अपना इंजीनियरिंग यहाँ पे दिखाएंगे ये क्या हो रहा जी क्या हो रहा दिन हो रहा है और क्या हो रहा है अरे मतलब क्या करने जा रहे हो ये सारे और जब पूरे इसमें देखो डेंगू तो नहीं है कहीं इसमें कहाँ जाना है ब्रश करना हो कतिक वाला गुण है तो पेस्ट पतंजलि दंत क्रांति वाल बैक क्रांति है जल तेरे में दादन में तब है हरी तब है साफ तब है हरी तब है साफ अच्छा ये हमारी बहन जी तू नहा कब रही है भी बता दे और जल चढ़ा के आए सूर्य देव को तूने नहाना नहीं है नहाना के देख टाइम कितना हो रहा है इतना खाना बना नाश्ता करोगे कब करोगे सड़ा सड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी नहा भी नहाना है बार आप सामने आना मत मम्मी के नाने के बाद भी क्योंकि नाने के बाद भी ऐसी दिखोगी फिर नाश्ता ऐसी मिलेगा तो नाने के बाद मैं आऊंगा मम्मी के आगे तू अपने आप को सोच रहा है क्या है तू ये क्या है मिठू बात कर रहे हैं आपके ये ऐसे ही करोगे क्या इसको खोल वैसे खोल के क्यों नहीं कर रहे हो सुपरवाइजर आ चुके हैं काम निकल रहा है मेरे को तो कुछ कर दूंगा ना तुम सुपरवाइजर आ चुके हैं सुपरवाइजर ने थोड़ा सा एडवाइस दिया है बट हमारा ये कारीगर सुनने को तैयार नहीं है वो अपने हिसाब से ही करेंगे GoPro turn off. अभी अलग मोड बोला मोड ऑफ कर रखा है। अच्छा तो इसमें मोड ऑफ कर रखा है। अपने आप को करना पड़ेगा। इसको बंद करना पड़ेगा। मैं भूल गई इसको यूज करना। इतना महीने एक महीना हो गया मैंने GoPro को। अबे तो अपने थोड़ा दिखा के बोलो ना। दूसरे को थोड़ा दिखा के क्यों बोल रही हो? एक महीने से मैंने इसको यूज नहीं किया है। तो कुछ ये मुझे भूल गया कुछ मैं भूल गई हूँ अब दोबारा से सारी शुरुआत करने ऑडियंस ही ने भूल गई है कुछ ये भूल गई है कुछ कैमरा भूल गया कुछ ऑडियंस ही ने भूल गई है कहाँ नहाने जा रहा हूँ नहाड़ी नौनी नहाड़ते जाओनी अच्छा की पकौड़ी है दीद अभी तुम नहा के आओगे तुम्हारी शक्लें देख के फिर बनाऊंगी मौसी मैंने पहले बोल दिया आप सामने मत आना नहा के भी क्योंकि शक्ल के हिसाब से बनेगा आज खाना मशीन से मेरा पैर टूट गया काली दिखी ना जाकर काली दिखी कितना स्टाइल मार लो तो कोई बात नहीं काला रंग खाना जी का
काना भी था, वो भी तो कितने स्मार्ट और सुंदर लगते थे। वो काना जी थे ना, आप सोनी हो। तो सोनी भी कहा काना जी की बनाई हुई एक। तो मौसी का वैसे मौसी आपका असली नाम किसी को पता नहीं क्या? आप अपना असली नाम बताओ। मेरा असली नाम सबको पता है, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में था सुनीता बोरा, तो मेरा असली नाम भी पता है। मैंने मतलब भेजा था तेरे को। इसका मतलब ऐसे मैंने नहीं मैंने इसमें को सर्च किया था, तो उसमें था सूर्य सी जवां, तो मैं हमेशा ऑलवेज जवां हूँ। चला चला यही था, मैंने देखा था, मैंने गूगल में सर्च किया था सूर्य साथ जवां और हमेशा रहूंगी। मैं खुद की बहुत अच्छी फेवरेट हूँ। तो मैं जब आया किचन में तो मम्मी ने डिसाइड किया हम बनाएंगे कुछ अच्छा सा। अच्छा, फिर मौसी आ गई किया था और मैं आई तो बनाया, फिर मौसी बहुत अच्छा बनाया है। फिर मौसी आई तो मम्मी का मूड चेंज हो गया, मम्मी ने सोचा टिंडे की सब्जी बनाती हूँ। रंग 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 दीदी ने बनाए, लेकिन पहले मैं आ गया था इसलिए मैं जीत गया। और अब फिर बने चीले हमारे को अच्छा बना है। बात कर रहा है और ये चीले बनते हुए जब तू आया ना, तेरी शक्ल देख के वो सोचती ये क्या बनाऊं, और जैसे मेरी शक्ल देख के चीले डिसाइड हुए, जैसे मैं पहुंची तो उन्होंने कहा वाओ ब्यूटीफुल चीले बनाती हो। तो गाइस मैं गाँव गया था तो मेरे टैनिंग हो गई थी, बट स्टिल ठीक लग रहा हूँ मैं, मौसी से तो बेटर ही लग रहा हूँ। अपनी मम्मी आ गई थी, मैं बेहतर लग रहा हूँ, कहाँ से लग रहा है बेटर। तो चीले बने आज, दूध चीला, चलो करते हैं स्टार्ट अपना ब्रेकफास्ट। यस गाइस आई एम वेरी हंग्री। मेरे चीले खाते हुए कोई बात नहीं, वैसे भी ठंडे हो गए थे, मैं गर्म खा लूँगा। Was it the fire burning in me?